नमस्कार। तीन राज्यों पर एग्जिट पोल के आंकड़ों ने खलबली मचा दी है। तीन राज्यों को लेकर पांच बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तीनों राज्यों को लेकर जो यहां पर एग्जिट पोल है वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रिजल्ट 2 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसने खलबली मचा दी है। 2 मार्च को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि तीन राज्यों पर जो वोटिंग हुई है 88% वोटिंग त्रिपुरा में, मेघालय में 74% और नागालैंड में 82% वोटिंग हुई है। लेकिन जो पांच बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल है उसने खलबली मचा दी है। त्रिपुरा आपको लेकर पांच बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के हिसाब से क्या आंकड़े बन सकते हैं। अगर बात की जाए टाइम्स नाउ ETC जो यहां पर एग्जिट पोल तैयार किया है, इस हिसाब से 21 से 27 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। त्रिपुरा को लेकर जो टाइम्स नाउ ETC का जो यहां पर एजेंसी ने एग्जिट पोल जारी किया है, कांग्रेस और यहां पर CPM गठबंधन हुआ है, उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। लेफ्ट को यहां पर 6 से 11 सीटें, इसके अलावा टिपरा मोथा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, 9 से 15 सीट टिपरा मोथा को मिल सकती है जो यहां पर एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जन की बात की बात की जाए तो 29 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस का यहां भी खाता नहीं खोल रहा है, लेकिन लेफ्ट को यहां पर 9 से 16 सीटें हैं और टिपरा मोथा को भी करीब यहां पर 10 से 15 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जी न्यूज मटराइज के हिसाब से भी यहां पर 29 से 36 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस का खाता नहीं खोल रहा है। 13 से 21 सीटें लेफ्ट को और अगर बात की जाए तो 8 से 12 सीट करीब यहां पर टिपरा मोथा को मिल सकती है। और इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया का जो एग्जिट पोल है उससे 36 से 45 सीटें बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 0 सीट, 6 से 11 सीट करीब लेफ्ट को और 9 से 15 सीटें यहां पर टिपरा मोथा को जा सकती हैं। अगर पोल ऑफ पोल के हिसाब से एग्जिट पोल का अनुमान 32 सीटें बीजेपी को यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी IPF की पार्टी जो गठबंधन है उसको मिल सकता है। कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो रहा है और लेफ्ट और अगर बात की जाए तो 15 सीटें लेफ्ट के लिए और अगर बात की जाए टिपरा मोथा को भी करीब 10 से 12 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो और टिपरा मोथा को करीब 12 से 13 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से त्रिपुरा में टिपरा मोथा किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए पोल ऑफ पोल एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, त्रिपुरा में बीजेपी फिर से कमल खिला सकती है, लेकिन 2018 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान उनको हो रहा है जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड के लिए भी जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें पांच एजेंसियों के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। अगर यहां पर बात की जाए टाइम्स नाउ ETC के हिसाब से बीजेपी को यहां पर 39 से 49 सीटें नागालैंड में मिल रही है, यानी जो बीजेपी गठबंधन है NDP पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है वो यहां पर बहुमत का आंकड़े को पार कर रही है, जबकि NPF पार्टी को 4 से 8 सीट, अदर की बात की जाए 0 सीट मिल सकती है। जन की बात की जाए तो 35 से 45 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है, NPF पार्टी को यहां पर 6 से 10 सीट और अन की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। जी न्यूज मटराइज के हिसाब से 35 से 43 सीटें मिल रही है बीजेपी गठबंधन को, NPF पार्टी को 2 से 5 सीट और अन की बात की जाए 1 से 3 सीट अन के पक्ष में जा सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के हिसाब से 38 से 48 सीटें बीजेपी गठबंधन को और NPF पार्टी को 3 से 8 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें मिल सकती है। पोल ऑफ पोल एग्जिट पोल के हिसाब से 42 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल रही है, यानी 60 सीटों में से 42 सीटें 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, यानी यहां पर NDA जो बीजेपी गठबंधन है उसको नागालैंड में बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है जो यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आ रहा है। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय को लेकर भी एग्जिट पोल के अनुमान जो आ रहे हैं उस हिसाब से टाइम्स नाउ ETC के हिसाब से मेघालय में बीजेपी को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं, NPP पार्टी को 18 से 26 सीटें और कांग्रेस को 2 से 5 सीट मिल सकती है। और जो जन की बात के हिसाब से एग्जिट पोल ने 3 से 7 सीट बीजेपी को और NPP पार्टी को यहाँ पर 11 से 16 सीटें, कांग्रेस को 6 से 11 सीटें मिलने की संभावना दिखाई है। जी न्यूज के हिसाब से 6 से 11 सीटें बीजेपी को, 21 से 26 सीटें NPP पार्टी को और कांग्रेस को 3 से 6 सीट। इंडिया टुडे माय एक्सिस इंडिया के हिसाब से 4 से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, NPP पार्टी को 18 से 24 सीटें, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें। एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से किसी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल रहा है, बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट, 20 सीट NPP पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर एक बार फिर से NPP पार्टी बन सकती है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। सभी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में थी। इस तरह से एग्जिट पोल के हिसाब से काफी खलबली देखने को मिली है। 60 सीटें त्रिपुरा से आती हैं और NDA को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस और यहाँ पर
जो यहाँ पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन था उसको 15 सीटें मिल सकती हैं, टिपरा को 12 सीटें, एवरेज आंकड़े की बात की जाए, मेघालय की बात की जाए तो 59 सीटों पर वोटिंग हुई है, और यहाँ पर एनपी पार्टी 21 सीट एवरेज आंकड़ा निकल रहा है, बीजेपी 6 सीट, कांग्रेस 6 सीट, और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 26 सीटें जा सकती है। इस तरह से मेघालय में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा, लेकिन अन्य के समर्थन से एनपीपी पार्टी यहाँ पर फिर से जो है आंकड़ा जुटा सकती है बहुमत का। नागालैंड में यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को एक तरफा आंकड़ा मिल रहा है, जीत का 41 सीट एवरेज आंकड़ा निकल रहा है, एनपीएफ पार्टी 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, और अन्य की बात की जाए तो 11 सीट। इस तरह से यहाँ पर तीन राज्यों के एग्जिट पोल के हिसाब से नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी कमल खिला सकती है, लेकिन मेघालय में पैच फंस सकता है। आखिर कौन यहाँ पर जो सरकार बनाएगा ये 2 मार्च के बाद पता लगेगा। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आखिर त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, नतीजे जो है वो 2 मार्च को सामने आ जाएंगे कि आखिर जो है इन राज्यों पर कौन यहाँ पर जीतेगा और किसे यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। तो मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।